ठीक है, तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। और सर लास्ट चैप्टर तो का नाम है ऑब्जेक्टिव वर्क दिएगा, क्या चीज? ऑब्जेक्टिव जो बचा था कल वाला लास्ट में कंप्लीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ अभी क्लास में कर देंगे। ओके ठीक सर। है, हमारा चैप्टर का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SFD एंड BMD। देखो, अभी तक हम लोग जो पहला चैप्टर में पढ़ते आ रहे थे बेसिक, जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन था, उसमें हम कौन सा लोड देख रहे थे? एक्सियल लोड। सारे में देखा देखे होंगे हम लोग जो भी लोड लगा रहे थे, आइदर वो इस ऐसा था या फिर ऐसा था। तो ये क्या था? एक्सियल लोड। अभी तक देखो, हम लोग जब लोड का क्लासिफिकेशन किए थे तो सबसे पहले हमारा था उसमें नॉर्मल लोड, ठीक है, और नॉर्मल में था एक्सियल लोड, तो वही एक्सियल लोड को हम लोग पढ़ते आ रहे थे अभी तक। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे शियर लोड का, ट्रांसवर्स शियर लोड उसको बोलते हैं या फिर डायरेक्ट शियर लोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब मटेरियल में शियर लोड आएगा तो उसके कारण से इंटरनल फोर्स जो डेवलप होगा वो कैसा होगा, ठीक है। हर एक, जैसे कि यहाँ पे हमारा जब टेंसाइल लोड आ रहा था या फिर एक्सियल लोड आ रहा था, यहाँ पे हम लोग एक्सियल लोड के बारे में पढ़ देते हैं, ठीक है। तो एक्सियल लोड आ रहा था तो उसके कारण से रेसिस्टेंस फोर्स कैसा आ रहा था वो हम लोग देखे थे, और रेसिस्टेंस फोर्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर इस सेक्शन को हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे तो इस सेक्शन पे हम जानना चाहते हैं कि कितना फोर्स का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते थे, सेक्शन को अलग कर देते थे, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स लग रहा था और इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा रेसिस्टेंस आ रहा था, रेसिस्टेंस फोर्स। उसी तरह अगर इस सेक्शन पे जानना हो तो इस सेक्शन को ब्रेक करके आइदर साइड कोई देखो, या फिर हम राइट साइड भी कंसिडर कर सकते थे, या फिर इस केस में हम ये लेफ्ट साइड भी कंसीडर कर सकते थे। तो लेफ्ट साइड अगर कंसीडर करते तो सेम कंडीशन आता। तो आइदर हम लेफ्ट साइड कंसीडर करें या फिर राइट साइड कंसीडर करें, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से अगर यहाँ का कोई सेक्शन पे चाहिए तब भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ का कोई सेक्शन चाहिए यहाँ पे, इस तरह किसी भी सेक्शन पे हम लोग लोड निकाल सकते थे, ठीक है। उसी तरह से इस केस में भी हम लोग लोड निकाल सकते हैं। उसी तरह इसके बाद हम एक और केस दिखाए थे जहां पे हमारा लोड वैरी कर रहा होगा, कुछ ऐसा था वो केस, ठीक है। एक लोड यहाँ लग रहा था, फिर दूसरा लोड इस जगह पे लग रहा था, तीसरा लोड यहाँ लग रहा था, चौथा लोड यहाँ पे लग रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोग हर एक सेक्शन पे लोड निकाल सकते थे। तो वहां हम लोग क्या कर रहे थे, इस सेक्शन पे लोड निकाल रहे थे, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन पे हम लोग लोड निकाल के स्ट्रेस निकाल रहे थे, उसके बाद इस सेक्शन पे हम लोग लोड निकाल के स्ट्रेस निकाल रहे थे, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे, लेकिन कौन सा लोड था? एक्सियल लोड था। अब हम लोग देखेंगे कि जब मटेरियल में शियर लोड लगेगा या फिर बेंडिंग लोड लगेगा तो उसके कारण हमारा जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा वो कितना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जब लोड लगा रहे थे तो हर एक मटेरियल में हम लोग देख रहे थे कितना एक्सियल फोर्स डेवलप हो रहा है, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा स्ट्रेस आ रहा था। तो उसी टाइप से यहाँ पे जब हम मटेरियल में शियर लोड लगाएंगे या फिर बेंडिंग कपल लगाएंगे तो उसके कारण से हमारा शियर फोर्स डेवलप होगा, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। हर एक सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डेवलप होगा ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखेंगे कि इस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग केवल फोर्स देखेंगे, फोर्स और मोमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जितना फोर्स और मोमेंट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग मेरा स्ट्रेस आएगा। तो देखो, जब कोई मेंबर में एक्सियल फोर्स लगता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बार, ठीक है। अभी तक हम लोग सारा क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में बार। जब किसी मेंबर में एक्सियल लोड लगेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं बार। अगर कोई मेंबर एक्सियल लोड से सब्जेक्टेड है तो उस मेंबर को हम लोग बोलते हैं बार, और अगर कोई मेंबर शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड से सब्जेक्टेड है तो उसे हम लोग बोलते हैं बीम, ठीक है। ट्रांसवर्स शियर लोड या बेंडिंग
कपल से सब्जेक्टेड होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बीम, ठीक है। बाद किसे बोलेंगे, वह सब मेंबर जो एक्सियल लोड से सब्जेक्टेड हो। यहाँ पे कौन सा लोड लग रहा है, एक्सियल लोड। देखो ये सब सारा केस में एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बार, ठीक। और अगर यही मेंबर में हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड लगेगा, ट्रांसवर्स मीन्स ये देखो एक्सियल डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, लेंथ के अलोंग। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। यहाँ पे दो डायरेक्शन आता है, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो लेंथ के अलोंग होगा और एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है मेरा, इसको हम एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल भी लोड बोल सकते हैं, ठीक है। और बीम के केस में क्या होगा, वहां पे ट्रांसवर्स शियर लोड आएगा, ठीक है। तो ये बार और बीम में डिफरेंस हो गया। अगर बार बोल रहा है मीन्स वो एक्सियल लोड से सब्जेक्टेड होगा, और बीम बोल रहा है मीन्स वो ट्रांसवर्स शियर लोड से सब्जेक्टेड होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे, जो हम लोड का क्लासिफिकेशन किए थे, तो लोड का क्लासिफिकेशन अगर देखोगे उसमें, तो सबसे पहला हमारा था नॉर्मल लोड। तो हम लोग अभी तक नॉर्मल लोड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें एक्सियल लोड था। अब हम लोग देखेंगे शियर लोड के बारे में, जो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है। तो जब शियर लोड लगेगा तो उसके कारण कौन सा फोर्सेस आएगा, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस कितना होगा हर एक जगह पे, उसके कारण स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, ये सब अब देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर पहले से पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ कंसेप्ट इसमें जरूरी है जो समझा देते हैं। एक्चुअली में ये सारा कंसेप्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये थोड़ा सा रिवीजन है। ये सारा जो कंसेप्ट अभी यूज होगा इस चैप्टर में वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है तुम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ठीक से नहीं पढ़ पाए होगा, तो वो हम एक बार फिर से करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप्स का सपोर्ट होता है। तीन टाइप का होता है सर। कौन कौन सा? कौन कौन सा होता है सर? कौन कौन सा टाइप का होता है? तीन टाइप बोल दे, कौन कौन सा? अब उतना कंफर्म नहीं है सर। चलो देखो, कोई भी बीम, बीम का अगर सिंपल एग्जांपल देखना हो तो घर देख लेना, ठीक है। जब घर बनता है उस टाइम हम लोग बीम उसमें देते हैं, और उस बीम को सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, पिलार से। तो वो अलग अलग टाइप का सपोर्ट हो सकता है। जैसे कि अगर जब घर बनता है, बेसिक जो फाउंडेशन पड़ता है उसमें हमारा दो सपोर्ट पड़ता है, उसके बीच में हम लोग इस टाइप से देखो, एक ऐसा पड़ गया, एक ऐसे, इस तरह से हमारा, उसके बाद इस पे एक हम लोग बीम, ये हमारा बीम है और इसको हम लोग सपोर्ट दे दिए नीचे से, ठीक है, फाउंडेशन से सपोर्ट दे दिए। तो यही एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसी सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद घर का जो रूफ होता है, ठीक है, रूफ में देखना थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला हुआ रहता है। वो पोर्शन कैसा बाहर निकला हुआ रहेगा, ये अगर रूफ में वॉल दिया हुआ है तो उसमें हम लोग इस शेप से, सपोज मान लो इस शेप से रूफ में देखना थोड़ा सा बाहर निकला होगा, ठीक है, तो उसको ये क्या हो गया, ये मेरा वॉल पे ये फिक्स होता है इस तरह से, तो ये भी एक टाइप का इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा बीम है और इसको ये सपोर्ट दे रहा है वॉल, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का सपोर्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट मिलता है उसको मिलता है फिक्स सपोर्ट। ये हमारा बीम जो है ये इस वॉल पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो अगर इस पे कुछ लोड आएगा तो ये सपोर्ट उसको सपोर्ट करेगा, इस बीम को टूटने से बचाएगा। उसी तरह से एक ये अगर पिलार बीम दिया हुआ है तो इसको हम लोग नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो घर या फिर ब्रिजेस में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जितना भी ब्रिज बनेगा उसमें देखना नीचे सपोर्ट दिया हुआ रहता है। तो जनरली हम लोग दो टाइप का सपोर्ट पढ़ते हैं। हमारा सपोर्ट जो होता है, ठीक है, सपोर्ट हमारा पहला एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। और दूसरा हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, अब सिंपल सपोर्ट में भी दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा रोलर सपोर्ट, ठीक
और सेकंड हमारा होता है हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हर एक सपोर्ट का कितना रिएक्शन आता है। ठीक है, अगर हम कोई सपोर्ट बना दिए, लेट सपोज ये मेरा जो बोर्ड है ये एक फिक्स सपोर्ट है, हम इसमें कोई चीज फिक्स कर दिए, ठीक है, इसको अंदर तक पूरा डाल दिए, ठीक, तो ये जो फिक्स सपोर्ट है अगर इस पे कोई लोड आएगा, ये हमारा मेंबर है, ये इस पे अगर कोई लोड आएगा तो ये कौन कौन सा रिएक्शन डेवलप करेगा। ठीक है, अगर ये इस पे हम इस तरह से कोई लोड डालेंगे तो ये मेंबर जो है ये इसको होल्ड करके रखेगा, कैसे, ये कुछ रिएक्शन लगाएगा इसके अपोजिट। ठीक है, इस ये जो हमारा फोर्स लग रहा है नीचे से, ये जो भी करना चाहेगा, ये सपोज इसको नीचे लाना चाहेगा या फिर इसको बेंड करना चाहेगा, देखो ऐसे फिक्स किया हुआ है, तो अगर हम इस पे कोई लोड ऊपर से लगाएंगे इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये आइदर ये बेंड करना चाहेगा या फिर ये नीचे की ओर धंसना चाहेगा। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है, ये जो इसमें हम डाले हुए हैं, ये इस पे कुछ रिएक्शन डेवलप करेगा जिसके वजह से इस फोर्स, ये जो लोड है इसको ब्रेक ना कर पाए। ठीक है, तो हम लोग हर एक सपोर्ट का देखेंगे कि कितना रिएक्शन होता है, कौन कौन सा रिएक्शन लगा सकता है हमारा सपोर्ट। ठीक है, तो पहला देखो सिंपल सपोर्ट में रोलर सपोर्ट क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा है रोलर सपोर्ट, ये देखो किस टाइप का होता है, लेट सपोज ये हमारा एक बीम है। ठीक है, ये एक बीम है, इसमें अगर रोलर सपोर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो उसका सिंबल देखो ये होगा, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है रोलर सपोर्ट का। ठीक, अब इसका अगर हम ये सपोर्ट का रिएक्शन दिखाएंगे, कौन कौन सा रिएक्शन होगा, इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये सपोर्ट क्या करेगा, एक रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं आर, और चूंकि ये वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए हम आर वाई लिखते हैं। ठीक, तो एक रोलर जो सपोर्ट हो गया उसका एक रिएक्शन होता है वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट का केवल एक रिएक्शन होगा वर्टिकल रिएक्शन। तो ये रोलर सपोर्ट हो गया, कहीं भी अगर रोलर सपोर्ट होगा तो उसको हम लोग उस वो क्या करेगा, वो एक वर्टिकल रिएक्शन अप्लाई करेगा, एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारे हिंज सपोर्ट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, इक्वल टू वन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट कुछ ऐसा होता है, इसमें रोलर का सिंबल हम नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो रोलर का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ विदाउट ये रोलर होगा, तो इसका दो रिएक्शन होता है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं बीम का, तो इसका एक रिएक्शन वर्टिकल होता है और एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आर वाई और इसको बोलेंगे आर एक्स। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, टू। ठीक, थर्ड हमारे पास है फिक्स्ड सपोर्ट, देखो फिक्स सपोर्ट कैसा होगा, ये अगर हमारे पास एक बीम है तो इसको हम लोग क्या किए, एक्स फिक्स कर दिए एक साइड से, कुछ ऐसा, जैसा कि अभी हम एग्जांपल बता देते, किसी वॉल में एक कील को ठोक दो। ठीक है, वॉल में एक कील को ठोक दो, वो कैसा सपोर्ट हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फिक्स हो गया अंदर जाके, इसके वॉल के अंदर जाके फिक्स हो गया। अब उसमें कोई भी लोड आएगा वो फिक्स, वहां पे जो वॉल है मेरा
वो फिक्स सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरह रूफ में जो थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला हुआ रहता है वो भी हमारा फिक्स सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, रूफ में देखे होंगे थोड़ा सा हम लोग पार्ट दीवार से बाहर निकाल देते हैं, वॉल से बाहर कर देते हैं, जिसे हम लोग छज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया, वो हमारा एक फिक्स सपोर्ट हो गया। ठीक है, वहां पे वो फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, इसका देखो तीन रिएक्शन होता है। एक वर्टिकल रिएक्शन होगा आर वाई, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा आर एक्स, और एक यहां पे देखो फिक्स सपोर्ट ये भी करना चाहेगा। ठीक है, इसको इस तरह से मोड़ना चाहेगा। अगर ऊपर से लोड आएगा तो ये क्या करेगा, इसको मोड़ना चाहेगा, यानी यह मोमेंट आएगा। ठीक है, तो उस मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए यहां पे भी एक मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना हो गया, थ्री। तो कहीं भी अगर ऐसा सपोर्ट आ रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन अप्लाई कर देंगे। अगर हिंज सपोर्ट आ रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो रिएक्शन अप्लाई कर देंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और अगर फिक्स सपोर्ट आ रहा है तो वहां पे हम लोग तीन रिएक्शन अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इसे बोलते हैं। ये क्या करेगा, इस चीज को बेंड करना चाहेगा। ठीक है, अगर ये चीज मेरा फिक्स किया हुआ है, ठीक, ये चीज यहाँ पे वर्ल्ड में फिक्स किया हुआ है और ऊपर से कोई लोड आ रहा है तो ये क्या करना चाहेगा, इसे बेंड करना चाहेगा। तो ये जो सपोर्ट मेरा है इसको ये उल्टा बेंडिंग मोमेंट लगाएगा और वो हमारा हो जाएगा एम। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो इसमें पूछो। देखो ये मैकेनिक्स का कंसेप्ट है लेकिन यहाँ पे ये यूज होगा। कोई भी बीम अगर हम यूज करेंगे, जिस भी टाइप का बीम यूज करेंगे वहां पे सपोर्ट देना पड़ेगा, उस सपोर्ट को का क्या रिएक्शन होता है ये समझना जरूरी है। मान लो ये मेरा, मेरे पास एक कोई मेंबर है, ठीक है, हम इसको क्या किए, एक साइड से पूरा दबा दिए तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे। अगर इसको हम लेट सपोज इसको हम इस पे ठोक देते हैं पूरा अंदर तक, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कितना पार्ट अंदर चला गया और ये फिक्स हो गया पूरा। अब अगर इस पे कोई लोड आएगा ऊपर से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा फिक्स हो गया अंदर, क्योंकि वॉल में पूरा फिक्स हो गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, यहाँ ये फिक्स हो गया पूरा, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, कोई भी चीज को अगर कील को हम वॉल पे ठोक देंगे तो वो वहां पे कैसे सपोर्ट का काम करेगा, वॉल मेरा वो फिक्स सपोर्ट होगा। उसी तरह जो हमारा रूफ में होता है, रूफ में देखना थोड़ा सा पोर्शन हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, वॉल के बाद, तो वहां पे जो वॉल पे वो जो पोर्शन है वो फिक्स किया हुआ है, तो वो वहां भी हमारा वो फिक्स सपोर्ट हो जाएगा। फिक्स सपोर्ट का टोटल तीन रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक मोमेंट। देखो रिएक्शन कहां से डेवलप हो रहा है ये पता चलेगा कि वो कितना मोशन को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर देखोगे फिक्स सपोर्ट पे, तो फिक्स सपोर्ट क्या करेगा, अगर ये चीज मेरा फिक्स किया हुआ है तो अगर हम इसको नीचे लाना चाहेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पे कोई वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम आगे पीछे करना चाहेंगे इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे या फिर इसको पुल करना चाहेंगे, वो नहीं आएगा। मींस एक अगेन रिएक्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर हम इसको बेंड करना चाहेंगे तो ये बेंड नहीं हो रहा है, मींस एक रिएक्शन और आ रहा है बेंडिंग में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन निकाला जाता है कि हम देख रहे हैं कि इस मेंबर का कितना मोशन को हम रोक दे रहे हैं। ठीक है, जितना मोशन रोक रहा है उतना रिएक्शन आएगा। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। अगर कोई सिस्टम ऑन की हो तो उसे बंद कर दो।
देखो ये जो हिंज सपोर्ट है इसका एक और सिंबल है, इसको भी दिखा देते हैं। हिंज सपोर्ट को हम लोग एक और सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसा भी सिंबल रहेगा तो ये हमारा हिंज सपोर्ट का सिंबल है, ठीक। देखो यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ऐसे ही नाम यहाँ से साफ स्पष्ट हो रहा है। ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो हमारा शाफ्ट, ये जो हमारा मेंबर आ रहा है, ये बीम यहाँ पे हिंज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जब किसी चीज को तुम हिंज कर दोगे तो वहां पे केवल एक ही मोशन हो पाएगा, वो सपोज ये हिंज किया हुआ है इसे, तो ये केवल इस तरह से रोटेट कर पाएगा, न ही ये ऊपर जा पाएगा और न ही ये इस साइड जा पाएगा, लेकिन ये आराम से देखो इस डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मोशन प्रिवेंट हो रहा है, एक ऊपर ऊपर इसको ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते हैं, और दूसरा इस डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए दो रिएक्शन आ रहा है। लेकिन ये देखो इजिली मूव कर सकता है, ठीक है, आराम से देखो मूव कर रहा है। अगर हम इस पर लोड लगाएंगे तो ये आराम से रोटेट कर जाएगा, मीन्स इसमें कोई भी मोमेंट रिएक्शन नहीं आ रहा है, इसमें केवल दो रिएक्शन आ रहा है। इसको अगर हम आगे पीछे कर इस डायरेक्शन में पुश करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इस डायरेक्शन में पुश करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे दो रिएक्शन आ रहा है, ठीक। सर इसका यूज कहाँ होता है? अभी इसी का तो यूज हम लोग पढ़ेंगे आगे। जितना भी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जहां भी बीम का यूज होगा वहां पे हम लोग सपोर्ट देते हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं देंगे तो बीम को हम लोग खड़ा कैसे करेंगे बताओ। अगर घर का ही घर में ही हमें अगर एक बीम पास करना है तो बीम को हमें सपोर्ट देना पड़ेगा नीचे से, तो वही सपोर्ट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ना, यही सपोर्ट यहाँ पे, यही तीनों सपोर्ट दिया जाता है। और उसके बाद देखो ये भी, और या फिर इन दोनों को मिक्स करके प्रोवाइड किया था, ऐसा नहीं कि सिंगल यही सपोर्ट मिलेगा, सिंगल ये या फिर सिंगल ये होगा, कहीं कहीं हम लोग ये दोनों को मिक्स भी करेंगे, कहीं पे दोनों साइड दे देंगे। तो बहुत सारा आगे टाइप हम लोग देखेंगे, जब हम लोग टाइप ऑफ बीम देखेंगे तो कौन कौन सा टाइप का बीम होता है वहां पे हम लोग को क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ब्रिजेस का जितना भी स्ट्रक्चर देख लो, वहां पे बहुत सारा बीम प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे सपोर्ट दिया जाता है। अगर देखो ये सिंबल है केवल पढ़ने के लिए, जरूरी ये नहीं है कि जहां हम देखेंगे वहां ऐसा सिंबल बनाया हुआ रहेगा, ठीक है। ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है, रोलर सपोर्ट होगा तो ऐसा होगा, हिंज होगा तो ऐसा होगा, फिक्स होगा तो ऐसा होगा। फिक्स होगा मतलब इमेजिन कर लो कि कोई चीज उसके वो उसे होल्ड किया हुआ है, ठीक है, कोई भी उस बीम को कोई चीज उसको पूरी अच्छे से होल्ड किया हुआ है, तो वो फिक्स सपोर्ट हो गया। अगर कोई ऐसा मेंबर है जहां पे हम किसी चीज को बस केवल यहाँ पे हिंज कर दिए हैं, वो लेकिन आराम से रोटेट कर सकता है, तो वो हमारा हिंज सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रोलर सपोर्ट में ये देखो ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है, केवल ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, इसलिए केवल एक रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर एक मेंबर में हम रोलर सपोर्ट लगा दिए हैं तो वो क्या होगा, केवल ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बाकी हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं वहां पे, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे केवल एक मोशन प्रिवेंट हो रहा है इसलिए एक रिएक्शन, यहाँ पे दो मोशन प्रिवेंट हो रहा है इसलिए दो रिएक्शन, यहाँ पे तीन मोशन प्रिवेंट हो रहा है इसलिए तीन रिएक्शन, क्लियर है। यूज इसका आगे अभी समझने को मिलेगा जब हम लोग टाइप ऑफ बीम देखेंगे, तो कौन कौन से टाइप का बीम होता है, कहाँ पे यूज होता है, सारा हम लोग देखेंगे, वहां पे समझ में आएगा कैसा सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो मेन क्लासिफिकेशन सपोर्ट का दो है, सिंपल सपोर्ट, इसमें एक होता है रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, सेकेंड होता है फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, इसका नंबर ऑफ रिएक्शन ऐसा होगा, हिंज सपोर्ट को या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका नंबर ऑफ रिएक्शन दो होता है, और क्यों नंबर ऑफ रिएक्शन होने का वजह वही है कि वो कितना मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, यहाँ पे एक मोशन प्रिवेंट हो रहा है, यहाँ दो मोशन प्रिवेंट हो रहा है, यहाँ तीन मोशन प्रिवेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे तीन रिएक्शन आ रहा है। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा पीछे से रिलेट हो जाएगा, ठीक है, अभी हम कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे, हम ऑलरेडी जो टाइप ऑफ लोड हम पढ़ा दिए हैं वही हर एक टाइप के लोड को हम लोग हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे, सिलेबस उतना ही, जितना हम टाइप ऑफ लोड करवाए उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हर एक टाइप, जितना भी टाइप का लोड है हम लोग हर एक को अलग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसका क्या रिएक्शंस होता है, क्या इंटरनल फोर्स आएगा उसके वजह से, क्या क्या हमारा स्ट्रेस आएगा। तो देखो टाइप ऑफ सपोर्ट हो गया, अब हम लोग देखते हैं बीम क्या होता है। तो बीम क्या होता है, एक हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसमें कौन सा लोड आएगा, यहाँ पे ट्रांसवर्स शियर लोड आएगा, ठीक है,
बार क्या होता है, एक मेंबर होता है जिसमें एक्सियल लोड आता है, ठीक है। और बीम हम लोग किसे बोलते हैं, जहां पे ट्रांसवर्स शियर लोड आएगा या फिर बेंडिंग आएगा उस मेंबर को हम लोग बीम बोलते हैं। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, which is subjected to transverse shear load and bending coupled. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप का बीम होता है, क्योंकि जहां भी ट्रांसवर्स शियर लोड और बेंडिंग का कपल होगा वहां हम लोग बीम, उसे बीम बोलेंगे, और जहां भी बीम यूज होगा, बीम का एप्लीकेशन होगा, वहां पे ट्रांसवर्स शियर लोड और बेंडिंग का कपल आएगा ही। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप का हम लोग बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कोई हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे कौन कौन सा टाइप का बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। को बीम को हम लोग दो टाइप में जनरली क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, ठीक है, और सेकंड हमारा होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। नाम से देखो हम इसको आगे लिखवाएंगे क्या होता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझो क्या होता है। स्टैटिकली मींस स्टैटिक का बात कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट मींस स्टैटिकली डिटर्मिनेट किया जा सकता है, ऐसा टाइप। जैसे बीम का वो टाइप जहां पे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, ये कौन कौन सा इक्वेशन होता है, तीन इक्वेशन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, अगर कोई चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए तीन इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। मीन्स उसमें नेट फोर्स जो होगा एक्स डायरेक्शन में वो जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स मोमेंट, जो नेट मोमेंट है वो जीरो होना चाहिए। अगर ये तीनों जीरो है तो वो मेंबर मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी पार्ट अगर ये नॉन जीरो होगा तो वो मेंबर हमारा डायनेमिक में आ जाएगा, मीन्स मोशन में आ जाएगा वो मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक मीन्स वो रुका हुआ होना चाहिए, यहाँ पे मूव नहीं करना चाहिए वो, ठीक है। तो उसके लिए ये तीनों कंडीशन है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर बीम में जितना भी रिएक्शन आएगा, ठीक है, अगर एक हमारा कोई बीम है उसमें जितना भी रिएक्शंस आएगा, उस रिएक्शंस को हम लोग अगर इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं तो उस बीम को हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम बोलते हैं। और अगर बीम के बीम में जो भी रिएक्शन आएगा वो सारे रिएक्शन को हम लोग इन तीन इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझना ये है कि अगर हम दो इक्वेशन दे दें 5x plus 2y equal to 6 और एक इक्वेशन देखें 6x plus 3y equal to 8, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, यहां से x एंड y का वैल्यू निकल जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल एक इक्वेशन दे दें
ठीक है, या फिर लेट सपोज हम एक यहां पे डाल देते हैं 3z इक्वल टू 6, ठीक है, और एक और इक्वेशन देखते हैं 6x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, एक्स वाई जेड तीनों का मान निकलेगा, बोलो एक्स वाई रहता है तो निकलता है जेड के लिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हम तीनों वैल्यू नहीं निकाल सकते एक्स वाई जेड, इसका मतलब हुआ कि अगर इक्वेशन, जब ये इक्वेशन था, और उसको म्यूट कराइए ना, उसको बोल दीजिए दूसरा जूम ऐप डाउनलोड कर लेने के लिए। अगर यहाँ पे देखो कितना वेरिएबल है, वेरिएबल हमें किसे किसे बोलते हैं, वेरिएबल जो है निकालना है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, तो यहाँ वेरिएबल कितना है, एक दो, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, और इक्वेशन हमारे पास कितना है, दो, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, यानी जितना वेरिएबल्स होगा अगर उतना इक्वेशन है तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जा रहा है और इक्वेशन यहाँ पे दो ही है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने है, तीन है, एक्स वाई जेड, लेकिन इक्वेशन हमारे पास दो ही है, तो यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी देखेंगे, यहाँ अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन, देखो हमारे पास इक्वेशन कितना है, तीन ही है, ठीक है, इक्वेशन तीन ही है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन तीन या तीन से कम होगा तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रिएक्शन को, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको, हम लोग वैसे टाइप ऑफ बीम को हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, और अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वैसे बीम को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, नाम से पता चला इनडिटर्मिनेट मतलब हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते उसे, यहाँ पे डिटर्मिनेट मीन्स डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यूज करके हम लोग इस बीम में रिएक्शन को निकाल सकते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पे इनसफिशियंट हो जाएगा, यहाँ पे हमें और इक्वेशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है, जैसे आगे हम लोग देखते हैं, ये जनरल डेफिनेशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा बीम आता है वो हम दिखाते हैं पहले, ठीक है, अब देखो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम में कौन कौन सा बीम आता है, तो पहला इसमें आता है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, दूसरा इसमें आता है कैंटिलीवर बीम, इसमें थर्ड हमारा आएगा हम लोग उसे बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम, तो देखो ये तीन बीम इसमें जनरली आता है, ठीक है, स्टैटिकली डिटरमिनेट में सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, हम लोग हर एक को डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है, और स्टैटिकली डिटरमिनेट में कौन कौन सा आ जाएगा, डबल हैंगिंग, फिक्स बीम, एक होता है फिक्स्ड बीम, या इसे बोलते हैं बिल्ट इन बीम, सेकंड आता है पॉप्ड कैंटिलीवर बीम, और थर्ड आता है कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे केवल हम लोग ये तीन केसेस को देखेंगे, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, बट ये होता क्या है ये केवल हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होता क्या है। अ बीम इज सेड टू बी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम
इफ इट्स रिएक्शंस कंपोनेंट, इफ इट्स रिएक्शन कंपोनेंट कैन बी डिटरमाइंड using equations of a static equilibrium only. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होगा इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. यानी कि इसमें ऐसा बीम जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर होगा, वैसे बीम को हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. ठीक है, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो. मींस ये कितना होगा, थ्री हो जाएगा. अब अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारा ग्रेटर देन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, ठीक है, तो ऐसे बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. ठीक है, अगर हमारा नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी कि तीन इक्वेशन के बराबर होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, और अगर नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. अब हम लोग देखते हैं एक एक करके स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम में क्या हो क्या होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. देखो नाम से ही पता चल रहा है सिंपली सपोर्टेड मींस इसमें कौन सा सपोर्ट होगा, सिंपल सपोर्ट दिया हुआ रहेगा इस बीम में. अगर हम बीम में सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे तो वैसे बीम को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. तो सिंपल सा बात है, अगर हमारे पास एक बीम है इस तरह का, इसमें सिंपल सपोर्ट दिया हुआ, सिंपल सपोर्ट में कौन कौन सा आता है, आइदर रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट. तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक साइड हिंज सपोर्ट दे देते हैं और एक साइड रोलर सपोर्ट देते हैं. ठीक है, अगर कोई बीम में हम लोग ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए, ठीक है, अगर एक ये हमारा बीम है मान लेते हैं, तो इसमें हम एक साइड क्या किए, हिंज सपोर्ट दे दिए और एक साइड हम रोलर सपोर्ट दे दिए. ठीक है, या फिर हम लोग दोनों साइड रोलर सपोर्ट भी दे सकते हैं या फिर दोनों साइड हिंज सपोर्ट भी दे सकते हैं. वो सपोर्ट डिसाइड करता है कि लोड कैसा आ रहा है. ठीक है, क्योंकि ये कब आए, ये हम लोग कब देंगे, जब हॉरिजॉन्टल लोड आए, वहां पे हॉरिजॉन्टल लोड भी आएगा तो हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे. तो ये देखो ये डिसीजन होता है इंजीनियर्स का, हमें कौन सा सपोर्ट देना है, वो कैसा लोड आएगा उस बीम पे, जैसा लोड आएगा उस हिसाब से हम लोग सपोर्ट वहां प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, शॉर्ट में बोलते हैं SSB. ठीक है, तो यहां पे आप नंबर ऑफ रिएक्शन काउंट करो इस बीम में. ठीक है, एक बीम है जिसमें हमने एक साइड क्या किया, एक साइड हम लोगों ने हिंज सपोर्ट दे दिए और एक साइड रोलर सपोर्ट दे दिए.
अब देखो रिएक्शन दिखाओ, ठीक है। तो रिएक्शन अगर हम इसका दिखाएंगे तो कैसा रिएक्शन आएगा, इस बीम में रिएक्शंस कैसा आएगा, इसका कैसा रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, आर वाई आर एक्स, ठीक है। अगर इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। तो ये इसको आर ए वाई कर दो, ठीक है, और इसको आर ए एक्स कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कैसा सपोर्ट आएगा, यहाँ पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, क्योंकि रोलर सपोर्ट का केवल एक वर्टिकल रिएक्शन होता है आर बी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करो नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस, कितना रिएक्शंस है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, टोटल रिएक्शन तीन। हमारे पास इक्वेशन कितना है, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्वल टू थ्री। हमारे पास इक्वेशन भी तीन है, रिएक्शन भी तीन है। देखो यहाँ पे हो गया ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई, नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी कि हम तीन, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके आर एक्स, आर ए एक्स, आर ए वाई और आर बी वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारा रिएक्शन है और इसी को फाइंड आउट करना है। जैसे ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, मान लो। तो हमारे पास तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, ठीक है। तीन वेरिएबल हमें निकालना है और तीन इक्वेशन दिया हुआ है हमें, तो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हमें इसे, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। यहाँ पे हमारा तीन रिएक्शन है और हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। अब समझ में आ रहा है ना, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट क्या हम बोल रहे हैं। यहाँ पे तीन रिएक्शन हमें याद है और हमारे पास तीन इक्वेशन है, हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, कैंटिलीवर बीम क्या होता है। देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन वही लिखे हैं, अ बीम इज सेड टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम इफ इट्स रिएक्शन, इसका जो रिएक्शन है आर ए एक्स, आर ए वाई, आर बी वाई कॉम्पोनेंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली। केवल हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन को यूज करके इसका रिएक्शन कॉम्पोनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम देखो कैसा होता है, ऐसा बीम जिसमें हम एक साइड, केवल एक साइड फिक्स सपोर्ट दे दिए हो, ठीक है। बीम जिसमें एक साइड फिक्स्ड सपोर्ट होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लो पहले, सिंपली सपोर्टेड बीम किसे बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। एसएसबी किसे बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ बीम, लिखो सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ बीम which is supported at its, which is supported at its extreme ends, which is supported at its extreme ends by either by extreme ends end pay. किसी को दिक्कत हो जाए तो लिख लो तुरंत, एस एस बी इज अ बीम विच इज सपोर्टेड एट इट्स एक्सट्रीम एंड्स आइदर बाय टू रोलर और टू हिंज
और वन रोलर एंड वन हिंज। क्लियर है। एसएसबी इज अ बीम विच इज सपोर्टेड एट इट्स एक्सट्रीम एंड्स। देखो एक्सट्रीम मींस जो लास्ट का एंड्स होगा, ठीक है, इसका इनिशियल इसका फाइनल, केवल एंड पे सपोर्ट होगा, बीच में नहीं होगा, ठीक है। आइदर बाय टू रोलर या फिर यहाँ पे दोनों रोलर हो सकता है, या फिर दो हिंज हो सकता है, ये दोनों जगह पे हिंज हो सकता है, या फिर एक रोलर एक हिंज हो सकता है, जैसा हम यहाँ दिखाए, एक साइड रोलर है एक साइड हिंज है। अब देखो कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम वैसा बीम होगा जो एक एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट से सपोर्टेड होगा, ठीक है, जिसका एक एंड पे हम लोग फिक्स सपोर्ट देंगे, वैसे बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखो कैंटिलीवर बीम इज अ बीम विच इज सपोर्टेड एट one end by a fixed support. देखो ये अगर इस बीम का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा होगा, ये हमारा बीम है और इस सपोर्ट को हटाएंगे तो इसके बदले क्या आएगा, तीन रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल जिसको आर एक्स बोल रहे हैं, एक वर्टिकल जो आर वाई होगा और एक मोमेंट जो एम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, और इक्वेशन हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू थ्री। देखो तीन रिएक्शन है यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और एक मोमेंट, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, ये भी थ्री है, ये भी किस टाइप का बीम हो जाएगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो थर्ड टाइप है इसमें, वो हमारा ओवरहैंगिंग बीम। देखो ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, ये एक तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अगर एक तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कैसा होगा, एक साइड हम लोग मान लेते हैं रोलर हिंज सपोर्ट दे दिए और एक साइड हम लोग रोलर सपोर्ट दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस क्या होगा कि इसका कुछ पोर्शन देखना सपोर्ट से बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है, ओवरहैंग, इसका नाम पड़ गया ओवरहैंग, मतलब ये ओवरहैंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इस बीम का नाम पड़ जाता है ओवरहैंगिंग बीम।
इसका अपना बेनिफिट है इस बीम का, ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एसएफडी बीएमडी इसका ड्रॉ करेंगे उस टाइम, ठीक है। सीएफ फोर्स डायग्राम देखेंगे इसका और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे उस टाइम, देखेंगे इसका क्या क्या बेनिफिट होता है इस बीम का। तो यहाँ पे ए और ये यानी क्या हो गया, एक तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये आइदर वन साइड या फिर इधर केवल होगा या फिर इधर ना होके इस साइड ओवरहैंग किया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर दोनों साइड ओवरहैंग किया हुआ रहेगा, ठीक है, तीनों केस हो सकता है, या फिर केवल एक साइड ओवरहैंगिंग हो या इस साइड या इस साइड या फिर दोनों साइड ओवरहैंग किया हो, ठीक है, तीनों केस में हम लोग ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज हम अभी इधर मान लेते हैं, तो ये कैसा हो गया, ओवरहैंगिंग बीम हो गया। अब इसमें रिएक्शंस देखो, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, अगर नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये यहाँ पे एक मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो रिएक्शन तो ये दोनों ही अप्लाई करेगा, ये इसका रिएक्शन होगा आर ए वाई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर ए एक्स, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन केवल आएगा आर वाई या फिर आर बी वाई लिखो इसको, यहाँ तो रिएक्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो कोई सपोर्ट दिए नहीं हम। तो यहाँ पे भी देख लो नंबर ऑफ रिएक्शन तीन है और नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास तीन है, नंबर ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू थ्री। तो इसके बारे में लिखो, ओवरहैंगिंग बीम के बारे में, बीम विच इज सपोर्टेड बाय beam which is supported by either two ruler or two hinge or one ruler and one hinge but at least one support should be provided away from extreme end. ठीक है, तो देखो ये इसका मतलब हो गया, यहां तक तो सिंपल डेफिनेशन है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही होगा, लेकिन बोल रहा है एटलीस्ट वन, कम से कम एक जो सपोर्ट है वो एक्सट्रीम एंड से दूर प्रोवाइड होना चाहिए। देखो कम से कम एक, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रीम एंड इसका कहां पे है, यहाँ पे, लेकिन हम लोग सपोर्ट कहां पे दे रहे हैं, इससे देखो दूर दे रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब कि केवल एक हो सकता है या फिर हम लोग दोनों सपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी केस, मतलब देखो इसका एक्सट्रीम इन यहाँ पे है, इसका एक्सट्रीम इन यहाँ पे है, लेकिन सपोर्ट हम लोग दूर प्रोवाइड कर रहे हैं। एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकता है, केवल एक को हम दूर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर दोनों को दूर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तीन तरह का हमें पता चल गया कौन कौन सा स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है। अब स्टैटिकली इनडिटरमिनेट का केवल हम दिखा देते हैं वो कैसा होता है, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होता है। सो देखो हमारे पास एक है फिक्स्ड, पहला क्या आंसर था, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होगा, एक बीम हमारा है, हम इसमें क्या किए, दोनों साइड सपोर्ट दे दिए, दोनों साइड हम लोग फिक्स्ड है, मींस फिक्स्ड सपोर्ट, एक ऐसा बीम जिसमें हम दोनों साइड फिक्स सपोर्ट दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बीम हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक ये दो तीन, उसी तरह से यहाँ पे एक दो तीन, टोटल सपोर्ट रिएक्शन यहाँ कितना हो गया,
नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। सिक्स लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितना है, ओनली 3। यानी कि देखो नंबर ऑफ रिएक्शन जो होगा ये ग्रेटर हो गया इक्वेशन से, ठीक है। इसलिए हमारा ये हो गया स्ट्रेटली इनडिटर्मिनेट। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सा हमें देखो, अब ऐसा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कितना इक्वेशन और चाहिए, 3 इक्वेशन और चाहिए जो ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मेरा कंटिन्यूअस बीम। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको पढ़ना ही नहीं, लेकिन क्या होता है ये समझ लो केवल। कंटिन्यूअस बीम क्या होगा, अभी तक हम लोग सिंपली सपोर्टेड में दिख रहे थे कि एक ऐसा बीम था कैंटिलीवर। देखो ये कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन हम क्या किए कि इस बीम को और लंबा किए और बीच में हम लोग लास्ट में भी एक सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो देखो एक से जब ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, दो से अगर ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। दो से अगर ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा तो हम लोग उसे बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम पे तो है ही मेरा सपोर्ट, लेकिन बीच में भी एक सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट बीम के अगर बीच में भी सपोर्ट दिया हुआ रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस बीम। नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉप्ड कंटिलीवर, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, नाम से पता चल रहा है कैंटिलीवर बीम होगा, कैंटिलीवर बीम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे भी अगर नंबर ऑफ रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ दो आएगा, यहाँ दो आएगा, चार, यहाँ पे एक आ जाएगा, पांच, ठीक है। टोटल 5 रिएक्शन हो जा रहा है यहाँ पे। कैंटिलीवर बीम नाम है कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर दिए, लेकिन बोल रहा है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है कि एक एंड पे फिक्स सपोर्ट होगा और दूसरे एंड पे हम रोलर सपोर्ट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे बीम को हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। रोलर या फिर हिंज भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। रोलर भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी, मतलब एक एक साइड यहाँ पे फिक्स सपोर्ट होगा और दूसरे एंड पे सिंपल सपोर्ट होगा, ठीक है। एक साइड पे फिक्स सपोर्ट, एक साइड पे सिंपल सपोर्ट, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अब यहाँ पे भी रिएक्शन देख लो, यहाँ पे टोटल 3 होगा, इसका 1 हो जाएगा, और अगर ये हिंज देगा तो 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया या फिर 4 हो गया, अभी भी 3 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट भी। ठीक है, तो बेसिक क्लियर हो गया होगा सपोर्ट क्या, कौन कौन सा सपोर्ट होता है, कौन कौन सा हमारे पास बीम है। अब इसी बीम पे अलग अलग लोड हम लोग देखेंगे, कौन कौन सा कैसा सीयर लोड आएगा या फिर कैसा बेंडिंग कपल आएगा उसके वजह से, फिर या फिर एक चीज और अभी देखेंगे हम लोग, लोड इसमें कैसा आएगा, ठीक है। अगर एक बीम है तो उसमें किस टाइप का लोड आता है, जब हम लोग देखो क्लासिफिकेशन का देते लोड का, पहला था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम लोग डिस्कस कर लिए, स्टैटिक और डायनेमिक में स्टैटिक था, सडन लोड, इम्पैक्ट लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, टाइम के रिस्पेक्ट में था, जो स्ट्रेन एनर्जी में लोग डिस्कस किए। उसके बाद एक हम लोग देखे विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल लोड, सीयर लोड, उसमें एक्सियल लोड था, ये वाला देख लिए पूरा। और एक और हम देखो लिखवाए थे वहां पे थर्ड टाइप में विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, तो उसका यूज यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बीम में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग वहां पे जो भी लोड देखे थे यूनिफॉर्मली कौन कौन सा लोड था, कॉन्सेंट्रेटेड लोड था और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली बैरिंग था, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जब लोड आएगा इस पे, वो सब अलग अलग टाइप का लोड आएगा, तो फिर हम लोग कैसे सीएफ फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। कल हम लोग कहां तक क्वेश्चन किए थे,
12 बता दिए थे सर। 12 तक हो गया था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इन परफॉर्मिंग टेंस। हाँ बोलो। 9 वाला नहीं समझ में आया, थोड़ा 9 वाला समझा दे। 9 नंबर If the radius of a wire stretched by load is doubled, then its Young's modulus will be, ठीक है? देखो, Young's modulus किसी भी material का property होता है, ठीक है? और property ना उसके size पे depend करता है। Radius कहने का मतलब क्या हुआ? एक मेरा अगर shaft इतना था, इस size का एक shaft था, ठीक है? मतलब ये wire बोल रहा है, तो मान लेते हैं इस size का एक wire है, इसका diameter मान लेते हैं कितना है? Radius, चलो radius ही मानो। Radius कितना है? 5 mm मान लेते हैं, ठीक है? अगर हम क्या बोल रहे हैं ये कि अगर ये रेडियस को हम 10 mm कर दे, ये रेडियस को हम कितना कर दिए 10 mm, तब इसका यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? कि अगर एक छोटा साइज का मेरा था, उसका हम क्या किए थोड़ा बड़ा कर दिए, इसके यहाँ पे रेडियस 5 था, हम रेडियस उसका डबल कर दिए, मीन्स 10 कर दिए, तो फिर उसका यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो यंग्स मॉडुलस देखो किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, और प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड नहीं करता, हम साइज छोटा ले या बड़ा ले। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम आयरन एक इतना छोटा पार्ट का आयरन ले या फिर एक इतना बड़ा पार्ट का आयरन ले, ये दोनों आयरन ही है, ये भी आयरन का बना है, ये भी आयरन का बना है, तो यहाँ पे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 1500 वो उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि ये बड़ा साइज है तो ये मेरा बहुत ले, इसका ज्यादा टेम्परेचर पे ये पिघलेगा, ये कम टेम्परेचर पे पिघलेगा। उसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी भी एक हमारा प्रॉपर्टी है मटेरियल का, हम प्रॉपर्टी में देखो ये सब पढ़ा है, तो प्रॉपर्टी जो होगा वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। डेंसिटी आयरन का 7850 होता है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये अगर इतना छोटा सा आयरन का ब्लॉक ले या फिर इतना बड़ा आयरन का ब्लॉक ले, दोनों का डेंसिटी सेम ही होगा, 7850। डेंसिटी भी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी उसके साइज पे चेंज नहीं होता है। तो उसी तरह से यंग्स मॉडुलस भी एक प्रॉपर्टी है, और अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये साइज पे चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का सेम रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस। जो भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा वो कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? कि अगर हम छोटा सा ब्लॉक ले, एक यहाँ पे तुम इतना भी छोटा आयरन का पार्टिकल लोगे तो इसका जो डेंसिटी होगा वो और मेल्टिंग पॉइंट उतना ही होगा जितना इसका होगा जितना इसका होगा। उसी तरह अगर हम इतना छोटा एक वायर ले लें या फिर इतना बड़ा एक वायर ले लें या फिर इतना बड़ा एक वायर ले लें, कोई भी वायर ले लें, उसका यंग्स मॉडुलस जो होगा वो सेम होगा। यंग्स मॉडुलस क्या, उसका शियर मॉडुलस भी सेम होगा, उसका बल्क मॉडुलस भी सेम होगा, ठीक है? सारा जो प्रॉपर्टी, पॉइजन रेशियो भी सेम होगा, क्योंकि ये जो चार है वो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चार प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो चेंज नहीं होगा साइज के साथ। ठीक है, 13 नंबर देखो, The percentage reduction of area in performing tensile test on cast iron may be of the order of, तो देखो cast iron एक brittle material है, और brittle material में हमारा change चाहे length में पूछे या फिर area में पूछे वो 0 के लगभग 5% से कम होता है, देखो less than 5%, क्योंकि इसका अगर हम diagram बनाएंगे stress strain diagram तो कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वही एक ductile material का diagram कैसा होगा, ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पे जो फाइनल एरिया था, इनिशियल एरिया इसका जो था, और फाइनल एरिया जब ये ब्रेक करेगा ब्रिटल मटेरियल, उस वक्त एरिया में चेंजेस बहुत कम होता है, चाहे लेंथ में भी चेंजेस देखोगे तो बहुत कम होगा, इलोंगेशन उसमें ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वही डक्टाइल मटेरियल होगा तो इलोंगेशन बहुत ज्यादा होता है। तो एक जनरल डेफिनेशन ये है कि डक्टाइल मटेरियल अगर होगा तो उसमें का परसेंटेज देखो, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मेजर करने का यही ना तरीका है, डक्टिलिटी जब हम पढ़ाए थे तो डक्टिलिटी मेजर करने का क्या तरीका, उसका तरीका या फिर परसेंटेज इलोंगेशन निकाल लो या फिर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया निकाल लो। तो अगर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया या फिर परसेंटेज रिडक्शन परसेंटेज इलोंगेशन ग्रेटर देन 5% होगा तो वो मेरा एक डक्टाइल मटीरियल होगा, ठीक है, और अगर less than 5% होगा तो वो हमारा एक ब्रिटल मटीरियल होगा, ठीक है। तो हमारा कास्ट आयरन कौन सा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, तो इसलिए ये हमारा less than 5% होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन देखो एक ही है 0, तो वहां पे 0 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है।
ये एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल का जो परसेंटेज इलोंगेशन या परसेंटेज डिडक्शन इन एरिया होगा वो ग्रेटर देन 5% होगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए लेस देन 5% होगा। तो ये सब जो हम पॉइंट यहाँ पे बताते हैं वो सब नोट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये सब भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम नोट्स में हर एक चीज, चूंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम वहां पे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा आएगा जो नोट करने का रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो वो सब भी कहीं कहीं नोट कर लेना, ठीक है, और बाद में अच्छे जगह पे नोट कर लेना, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल का ग्रेटर देन 5% होगा परसेंटेज इलोंगेशन या परसेंटेज रिडक्शन, और इसका परसेंटेज इलोंगेशन या परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया लेस देन 5% होगा ब्रिटल मटेरियल की। नेक्स्ट बोल रहा है 14 नंबर, द इंटेंसिटी, क्या चीज ब्रिटल मटेरियल का 5% से कम होगा। हाँ, तो ये तो देखो यहीं से हम डायग्राम से भी बता दें, अगर हम देखो ये इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, इतना है एक डक्टाइल मटेरियल का, ये ओरिजिनल लेंथ है और ये इतना इसका चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है। तो अगर हम ये परसेंटेज इलोंगेशन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा ना ज्यादा, 5% से ज्यादा। हाँ, क्या इसका अगर ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे, फाइनल लेंथ भी यहीं पे आके टूट गया ये, तो इतना छोटा है तो ये लेस देन 5% आ जाएगा। तो ये एक जनरल क्राइटेरिया बनाया गया डक्टाइल मटेरियल का, ग्रेटर देन 5% और लेस देन 5% ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट बोल रहे द इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेस विच काउजेज यूनिट स्ट्रेन। ये देखो कल ही हम समझाए थे, वही वाला कंसेप्ट है ये, इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेस विच काउजेज यूनिट स्ट्रेन, मतलब एक मटेरियल में अगर हम कितना स्ट्रेस लगाए कि उसमें यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, मींस देखो इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई। अब अगर हम E इक्वल टू 1 कर दें, यूनिट स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेन का वैल्यू 1 है, E को 1 कर दो, तब जो स्ट्रेस हम कितना लगाएंगे उसके यंग्स मॉडुलस के बराबर लगाएंगे, ठीक है। अगर हम स्टील का मान लेते हैं, स्टील का एक कोई पार्ट है उसमें हम चाहते हैं कि यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, एक यूनिट का स्ट्रेन आए, तो हम लोग कितना स्ट्रेन लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे उस मटेरियल में यंग्स मॉडुलस के बराबर। और स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना होता है, 200 GPa, यानी कि इतना तुम स्ट्रेस लगा दो मटेरियल में तो यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर हम 200 GPa का स्ट्रेस लगा देंगे मटेरियल में तो उसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और 200 GPa मीन्स यंग्स मॉडुलस, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम लोग यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन ऑफ 1 cm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व्ड वाज 8 ton एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट नेक वाज 0.5 cm स्क्वायर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, जो कि अल्टीमेट निकालना है, तो हम लोग अल्टीमेट लोड करेंगे अपॉन एरिया करेंगे। और 2-3 क्वेश्चन पहले ही हम बताए थे कि जो एरिया हम डिवाइड करते हैं वो ओरिजिनल एरिया होता है, ना कि नेक का एरिया होता है, ठीक है। जब वो फ्रैक्चर करा उस टाइम का एरिया हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग कौन सा एरिया लेते हैं, ओरिजिनल एरिया लेते हैं। ये एक न्यूमेरिकल भी हम ऑलरेडी इसका करवा चुके हैं। तो अल्टीमेट लोड यहाँ पे दिया हुआ है 8 ton और ओरिजिनल एरिया दिया हुआ है 1 cm², तो कितना हो जाएगा, 8 ton/cm² हो जाएगा आंसर। इस पर एक न्यूमेरिकल भी करवाएं। देखो जब भी स्ट्रेंथ किसी मटेरियल का निकाला जाता है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो या फिर हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो सारा जो स्ट्रेंथ होता है वो ओरिजिनल एरिया पे निकलता है, नेक एरिया, या फिर जब वो फ्रैक्चर कर रहा है उसको हम लोग नेक एरिया बोलते हैं, तो उस एरिया पे हम लोग नहीं निकालते हैं। सिक्सटीन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, ऐसा कौन सा इसमें क्वांटिटी दिया हुआ है जिसका यूनिट नहीं होता है, ये तो पता ही होगा स्ट्रेन का, ठीक है। बाकी टर्म तुम लोग नहीं पढ़े होगे, या फिर हो सकता है थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस का तो होता ही है, ये तो अभी बताएं, स्ट्रेस का भी होता है, स्ट्रेन का नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ पार्ट इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप, ठीक है। एक पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट करती है मूव करने से, कॉन्स्ट्रेंट मतलब उसे रोक देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है, मींस कुछ ऐसा कर दिए हम, कॉन्स्ट्रेंट कर दिए, ठीक है, उसको रोक दिए मूव करने से, और उसको अब हम हीट कर दें, तो हीट कर दें तो क्या होगा, ये फैलना चाहेगा,
ठीक है, क्योंकि कोई चीज को हम हीट करेंगे तो वो फैलना चाहेगा, फैलना चाहेगा, लेकिन ये सपोर्ट क्या करेगा, उसको एक फोर्स लगाएगा इस टाइप का और इसको वापस यहां ले आएगा। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स आ रहा है, कॉम्प्रेसिव। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस ही होगा, लेकिन उसका नेचर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव। ठीक है, अगर वही जब हम इसको कूल करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अब अगर हम इसका टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये मटेरियल सिकुड़ना चाहेगा, यहाँ पे जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको यहाँ पे जाने नहीं देगा, ये इसको वापस, इसको खींच के वापस यहाँ पे ले आएगा। तो ये यहाँ पे कैसा स्ट्रेस डेवलप होता है, यहाँ पे अब जो स्ट्रेस डेवलप होता है, देखो यहाँ पे नेचर, ये स्ट्रेस कैसा है, टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, मींस ये चीज दिमाग में बैठा लो, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो थर्मल स्ट्रेस जो आएगा वो हमारा कॉम्प्रेसिव होगा, और जब हम लोग टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे तो जो थर्मल स्ट्रेस आएगा वो हमारा टेंसाइल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये दोनों। नेक्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, कौन सा सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, रबर, ब्रास, स्टील, ग्लास। देखो इसमें कंफ्यूज करते हो, लगता होगा कि रबर सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, क्योंकि रबर को खींचते हैं तो बहुत अच्छे से खींचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इलास्टिक नहीं होता, रबर को खींचोगे तो देखना तुरंत वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो वो इलास्टिक नहीं होगा, यहाँ पे स्टील होगा। ठीक है, स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है, माइल्ड स्टील मतलब क्या चीज, हाँ सबसे ज्यादा इलास्टिक माइल्ड स्टील होता है, क्योंकि जो हम लोग देखो स्टील में सबसे ज्यादा माइल्ड स्टील ही होता है, लेकिन जनरली स्टील बोला जाता है, कोई भी स्टील अगर देखा जाए तो वो लगभग सेम होता है उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर जितना भी स्टील होता है उसका यंग्स मॉडुलस लगभग सेम होता है। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील इज, तो स्टील के लिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू कितना लिखवाए थे, एक डाटा हम लिखवाए थे वहां पे 0.27 टू 0.33 था स्टील के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 0.25 टू 0.33, तो वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.27 टू 0.33। ठीक है, ठीक है, हम इस बाकी क्वेश्चन कल करवा देते हैं, या आंसर बता दें, बता दीजिए आंसर। ठीक है, लिख लो आंसर, क्योंकि टाइम ज्यादा होता है सर, और भी सर क्लास लेते हैं इस टाइम। यस सर, बोल दीजिए आंसर। अच्छा बोल दे दे, लिख नोट करते जाओ। 20 नंबर का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हाफ 20 का बी, 21 का बी हो जाएगा इलास्टिसिटी, 21 का इलास्टिसिटी, 22 का बी हो जाएगा 0.23 टू 0.27, 23 का द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज टू बी ड्रॉन इनटू अ स्मॉलर सेक्शन, डक्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ए 23 का ए, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द, बी हो जाएगा 24 का बी, 25 का डी हो जाएगा, किस कोई भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो एक से ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। ठीक है, 25 का डी, उसके बाद 26 है, इसका ए हो जाएगा मेलियबिलिटी, 26 का ए, 27 का हो जाएगा बी, नो स्ट्रेस, अगर कोई मटेरियल को हम फ्री छोड़ देंगे हीट करके तो वो उसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, 28 का ए हो जाएगा, 28 का ए क्रीपिंग, 29 रेशियो ऑफ लेटरल टू लीनियर, ये हो जाएगा डी, 29 का डी, 24 का एक बार देख लो, 24 का सी होगा। ठीक है, 24 का सी होगा,
ठीक है, 29 का डी, 30 का ई होगा, सॉरी बी, बल्क मॉडल है, थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट लगता हुआ, 30 का बी होगा, 31 का, 31 का डी होगा, 32 का सी होगा, 32 सी, 33 का सी होगा, 32 सी, 33 सी, 34 का ए हो जाएगा, 34 ए, 35 का डी होगा, 35 का डी, और 36 का ए हो जाएगा, ठीक है, 36 ए। सर 30 का बता दीजिएगा। बी होगा, बी होगा, बल्क मॉडल्स। यस सर, ठीक है।